नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण की दुनिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है आज सुबह टाइम्स टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण मूल मंत्र, उसका संरक्षण करना है। जैसा आप जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने वन जंगल आदि झाड़ियां लगाया करते थे। आज उसी के बदौलत हम सभी लोग शुद्ध हवा खा रहे हैं, लेकिन अब बीच बीच में प्रदूषण भी हम सभी लोगों को या खाने को मिलती है। इसलिए आप सभी से अपील है कि पेड़ पौधे हम सभी के लिए यह बहुत लाभदायक प्राणी है। इसे हम सभी को जागो नई दिशा बचाने और लगाने की जरूरत है। शुद्ध हवा के साथ साथ पेड़ पौधे और मानव जीव जंतुओं को यह अति आवश्यकता है। हम सभी प्राणियों को पेड़ पौधे अधिक लगाने की जरूरत है। चाहे आप गांव में रह रहे हैं या कस्बे में रह रहे हैं या आप शहर में रह रहे हैं, आप यदि जो है दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपका ही यह हवा शुद्ध हवाओं के साथ साथ लोगों को बहुत ही निरोग बनाती है और प्रदूषण को बाय बाय करती है। इसलिए शुद्ध हवा शुद्ध पेयजल बचाना हम सभी का प्रत्येक मनुष्यों का कर्तव्य बनता है। या दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पर्यावरण की बचाव सिर्फ प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। सभी देशवासियों से अपील है कि अपने घर के आसपास पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, जिससे कि भारत भर में और दुनिया में हरियाली युक्त मौसम बनाया जा सके। या प्रत्येक नौयुवा साथी, यदि आप संकल्प लेते हैं तो सभी मानव स्वास्थ्य जीवन के साथ अनमोल धरोहर बचाया जा सकता है। हम सभी को पर्यावरण बचाने के लिए या विभिन्न तरह के पहलुओं पर जो है कार्य करना चाहिए। जैसा कि भारत सरकार लगातार पर्यावरण को लेकर सभी लोगों को जागरूक करती है, वहीं पर राज्यों की सरकार भी अब पेड़ पौधे लगाने के लिए विशेष कार्य बल के साथ लगी हुई है। वहीं पर वन विभाग भी अब मुस्तैदी से कार्य कर रही है। इस सब को देखते हुए पर्यावरण को बचाने की अति आवश्यकता है और सभी लोग इसे मिलजुल कर आएँ और साथ में पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे, जैसे कि गाँव में रह रहे हैं तो अपने खेत के आसपास और घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाया जा सकता है। और दिन प्रतिदिन यदि आप जो है शहरीकृत के लोग हैं तो आप जो है आपके क्षेत्र में पार्क बने हुए हैं, वहाँ पर भी पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं और अच्छी हवा आप शुद्ध हवाओं के साथ अनमोल धरोहर के साथ जीवन जी और स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सभी को आज से ही संकल्प लेना चाहिए। नौयुवा साथी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी बुजुर्गों को भी जागरूक करना चाहिए और सुबह उठें और सुबह उठकर वहाँ पर जो है आप मैदान में जाकर डेली दिन प्रतिदिन योगा करें और जो है योगा के साथ साथ आप हमेशा तरोताज़ा रहेंगे। तो हम यहीं तक फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें और पेड़ पौधे अधिक लगाएं, जिससे हम सभी को शुद्ध हवाओं के साथ आगे जीवन में एक संदेश मिलता है हमें और हमारे देश और दुनिया को भी, या हरियाली युक्त भारत को बनाने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।